हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आई होप आप लोग ठीक होंगे। ये वीडियो है 20th यानी कि 20वां पेपर है CGL टीयर 1 9th अगस्त शिफ्ट 3rd का पेपर। इस पर लिखा नहीं है क्योंकि मैंने स्कैन कॉपी किया 9 अगस्त और ये शिफ्ट है 3rd। ठीक है, तो इसका पेपर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। स्कैन पेपर है, कैम स्कैनर से स्कैन किया हुआ है। तो पहले फर्स्ट एंड सेकंड एरर डिटेक्शन है। माय ब्रदर फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू पास अवे द टाइम एट अवर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। मेरे भाई को टाइम पास करना मतलब वक्त गुजारना बहुत मुश्किल पड़ता है जब वो एट अवर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, दादा दादी या नाना नानी जो भी हैं। तो देखिए यहाँ पर पास अवे नहीं आएगा, एरर इसमें यही है कि पास अवे नहीं होता है। पास अवे का मतलब होता है मर जाना, टू डाई या टू स्टॉप एग्जिस्टिंग। तो टू पास द टाइम होता है सिंपली, अवे नहीं आएगा यहाँ पर। यानी कि एरर किस में है, बी पार्ट के अंदर है। ठीक है, टू पास द टाइम, माई ब्रदर फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू पास द टाइम एट अवर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। फिर है नो सूनर हैड ही फिनिश्ड His morning walk when it began to rain। तो no sooner के साथ जो है when नहीं आता है, no sooner के साथ क्या आता है, then आता है, then। यानी कि error किस में है, सी पार्ट के अंदर है। फिर है क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो आपका थर्ड क्वेश्चन है डैश यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड। तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आना चाहिए। तो इसमें कन्फ्यूजन जो है आपको, देखिए टिल से तो स्टार्टिंग नहीं हो सकती, एक रूल है कि टिल से तो स्टार्टिंग नहीं हो सकती। इफ़ यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड, ये भी कोई सेंस नहीं बनाता। अनटिल एंड अनलेस में ही कन्फ्यूजन कुछ लोगों को हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है सक्सेस, सक्सीड करना, सक्सेस करना, एक्शन पर डिपेंड कर रहा है। तो जहाँ पर एक्शन पर डिपेंड करेगा वहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, अनलेस इस्तेमाल करते हैं। अनटिल इस्तेमाल होता है टाइम ओरिएंटेड केस के लिए, यहाँ पर टाइम से रिलेट, अनटिल यू डू दिस, जब तक ये नहीं करोगे, मतलब अनटिल वो चीज़ होगी तब तक है तुम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर वो चीज़ होगी टाइम से रिलेट नहीं है बल्कि एक्शन से रिलेटेड चीज़ है कि जब तक वो काम नहीं, जब तक काम मेहनत नहीं करोगे। और अनटिल में ये आ जाएगा कि जब जब तक ये काम नहीं होगा तब तक ये काम नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रेस किस चीज़ पे, एक्शन पे है। तो जहाँ पर एक्शन पे स्ट्रेस होता है वहाँ पर अनलेस आता है, और जहाँ पर टाइम पे आता है कि ये चीज़ नहीं होगी जब तक तब तक ये चीज़ नहीं हो सकती, तो वहाँ पर अनटिल होगा कि अनटिल द ट्रैफिक लाइट टर्न्स ग्रीन यू कैन नॉट गो फॉरवर्ड। तो वहाँ पर अनटिल आएगा। ठीक है, फिर है करप्शन इज़ अ स्टैंडिंग हिंड्रेंस डैश द नेशंस डेवलपमेंट। तो हिंड्रेंस के साथ आपको, हिंड्रेंस मतलब रुकावट, एक स्टैंडिंग हिंड्रेंस है, एक ऐसी हिंड्रेंस है जो कि फेस कर रहे हैं हम तो नेशन के डेवलपमेंट में। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन पता होनी चाहिए। तो प्रीपोजिशन क्या रहेगी यहाँ पर, हिंड्रेंस के साथ टू आता है, हिंड्रेंस टू। करप्शन इज द स्टैंडिंग हिंड्रेंस टू द नेशंस डेवलपमेंट। योर इनफ्लेक्सिबल एटीट्यूड इज अ हिंड्रेंस टू अवर टीम्स परफॉर्मेंस, इस तरह से कुछ। तो हिंड्रेंस के साथ टू आना है। फिर आपको बताने हैं सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स में आपका फिफ्थ क्वेश्चन में सिनोनिम क्या है, लेथार्जी। लेथार्जी का मतलब होता है लैक ऑफ एनर्जी, एंथुजियाज्म, डलनेस है, टायर्डनेस है, और एक और इसका सिनोनिम है वो है ड्राउजी। ड्राउजी भी लेथार्जी के लिए इस्तेमाल होता है। तो प्लेजर तो आनंद है, मॉडेस्ट कोई हम्बल नेचर का है, एक्टिविटी तो इसका एक तरह से एंटोनिम ही हो जाएगा। तो लेथार्जी के लिए ड्राउजी सिनोनिम है। ड्राउजी का मतलब भी लेथार्जिक फील करना। फिर है हुडविंक।
हुडविंक का मतलब है डिसीव करना, ड्यूप करना, डिफ्रॉड करना, चीट करना। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, सिक्स के लिए डिफ्रॉड करना, यानी कि किसी को फ्रॉड करना किसी के साथ। इलिसिट का मतलब इलीगल होता है। सीक्रेट का मतलब आप जानते हैं, स्टेयर का मतलब घूरना, तो ये सब यहाँ पर नहीं है। थोड़ा सा इलिसिट क्लोज आता है, लेकिन इतना क्लोज नहीं है जितना डिफ्रॉड, तो बिल्कुल ही हुडविंक का क्या है, सिनोनिम है। फिर हैं एंटोनिम्स, मल्टीफेसेटेड। मल्टीफेसेटेड का मतलब किसी चीज़, कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स हो, उसके बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हों या फीचर्स हों, तो वो मल्टीफेसेटेड कहलाती है। मल्टीफेस, बहुमुखी। तो अगर कोई चीज़ बहुमुखी है तो वो चीज़ कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का उल्टा क्या हो जाता है, सिंपली, सिंपल ही हो जाता है। कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स है, कोई चीज़ सिंपल है, ठीक है। एड्रॉइट का मतलब क्या है, कोई चीज़ कोई क्लेवरली स्किलफुल है, रिसोर्सफुल है, कला कला है किसी के पास। हैंडी, कोई चीज़ यूज़फुल है। प्लायबल का मतलब फ्लेक्सिबल, इजीली बेंट, इजीली इन्फ्लुएंस या परसुएटेड, यील्डिंग, ये क्या है, प्लायबल है। तो मल्टीफेसेटेड का सिंपली एंटोनिम क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। फिर है ट्रेपिडेशन। ट्रेपिडेशन का मतलब होता है इफ अ फीलिंग ऑफ फियर और एंगजाइटी अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के लिए डरना, एंगजाइटी होना, नर्वसनेस होना। तो नर्वसनेस है, डिसमे है, तो नर्वसनेस डिसमे के लिए बोल्ड तो क्या आ जाएगा, उसका सिनोनिम आ जाएगा, सॉरी, फियर जो आ जाएगा उसका सिनोनिम आ जाएगा। बोल्ड उसका कुछ हद तक एंटोनिम होगा। आप एक तरफ फीलिंग ऑफ फियर है, एक तरफ आप बोल्ड हैं, लेकिन उससे ज़्यादा फीलिंग ऑफ फियर और एंगजाइटी अबाउट समथिंग मीनिंग है ट्रेपिडेशन का। तो उसके लिए ज़्यादा क्लोजेस्ट एंटोनिम, एग्जैक्ट एंटोनिम उसका क्या रहेगा, काम नेचर। एक तरफ आप नर्वस हैं, घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, और एक तरफ आप काम नेचर में हैं, बिल्कुल आप सुकून से हैं, तो वो उसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। फिर है 9th, 10th, किक द बकेट। तो किक द बकेट आपको इडियम है, किक द बकेट का मतलब होता है टू डाई, मर जाना। तो वैसे तो कोई लिंक बनता नहीं है, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही याद करा कि भाई कि कितनी ज़ोर से मारी बकेट में कि पैर टूट गया, पैर टूट गया, बड़ा लंबा, उसमें इन्फेक्शन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हड्डी टूट गई, सब कुछ हो गया, अब मर गया, दिमाग में बना लिया, होता ऐसा कुछ नहीं है। तो किक द बकेट टू डाई। फिर है एन एक्स टू ग्राइंड। एन एक्स टू ग्राइंड भी एक बहुत कॉमन सा ईडियम है, जिसका मतलब होता है टू हैव अ सेल्फिश मोटिव। ये कई बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि आपका कोई सेल्फिश मोटिव है, कोई आपकी अपनी पर्सनल कोई कोई फ़ायदा है किसी चीज़ में, तो सो यू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, तो 10 का सी हो जाएगा। फिर है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम यू। अब ये आपसे पूछा है, तो आप अगर आप यहाँ पर सेंस क्या बना रहा है, यहाँ पर सेंस यही है कि आपसे ये कहा जा रहा है कि हम आपसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स की आशा करते हैं, ईगरली अवेट करते हैं, एंटिसिपेट करते हैं। तो उस केस में हम, यू लुक फॉरवर्ड टू समथिंग, फॉरवर्ड फॉर नहीं होता, फॉरवर्ड टू होता है। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड, तो 10 का ए हो जाएगा। जब हम लुकिंग, लुक फॉरवर्ड टू समथिंग का मतलब होता है अवेट ईगरली या एंटिसिपेट करना, ठीक है। फिर है ही प्रोमिस टू मेंड हिज वेज। ही प्रोमिस टू मेंड हिज वेज, तो इसमें आपको बताना है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ही हैड अ प्रोमिस टू मेंडिंग, सॉरी, ही प्रोमिस टू मेंड हिज वेज, सही लग रहा है। हाँ, ये इसमें प्रोमिस टू, अब ये थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा परेशान। ही प्रोमिस टू मेंड हिज वेज, वो अपने अपने तौर तरीकों को मतलब नेगेटिव होंगे ऑब्वियसली, तो अपने तौर तरीकों को बदलने के लिए तैयार है, उसने वादा किया है कि, तो ही प्रोमिस टू मेंड हिज वेज जो है ग्रामेटिकली सही है, तो इसमें नो इम्प्रूवमेंट इसका आंसर आएगा, ठीक है। फिर है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन।
वन हु इज डिटरमाइंड टू टेक फुल रिवेंज फॉर रॉन्ग्स डन टू हिम। अगर वो इंसान जो पूरी तरह से डिटरमाइंड है बदला लेने के लिए जो उसके साथ गलत हुआ है, तो उसके लिए आंसर होता है, उसको कहते हैं विंडिक्टिव, विंडिक्टिव नेचर है उसका। एनमिटी तो मतलब सिंपली हॉस्टैलिटी, अ फीलिंग और कंडीशन ऑफ हॉस्टैलिटी, हेट्रेड, इल विल, एनिमोसिटी, दुश्मनी किसी से। दुश्मनी तो सही पे भी हो सकती है, गलत पे भी हो सकती है। निगर, निगर बेसिकली एक एक्सट्रीमली डिस्पैरेजिंग एंड ऑफेंसिव टर्म फॉर अ ब्लैक पर्सन, मतलब एक बहुत ही डिस्पैरेजिंग, गलत यूज़ किया जाने वाला एक ऑफेंसिव वर्ड है जो कि ऑफेंड करता है। आप किसी, जैसे बहुत से जाति सूचक वर्ड हैं जो गलत माने जाते हैं हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो वैसे ही यूएसए में निगर किसी को, ब्लैक पर्सन को कहना मतलब बहुत ऑफेंसिव अब माना जाता है। एक टाइम पर वो एक्सेप्टेबल था क्योंकि वहाँ पर ब्लैक्स बहुत कमज़ोर पोजिशन पे थे और वैसे भी सिविल राइट्स मूवमेंट नहीं हुआ हुआ था, लेकिन अब जो है आप किसी को निगर कहेंगे तो इसका मतलब आप बहुत ही एक बहुत ही ऑफेंसिव वर्ड इस्तेमाल करेंगे। पेडेंटिक, पेडेंटिक आप जानते हैं कि ये वर्ड कई बार आया भी है कि कोई इंसान बहुत ही डिटेल्स, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो और बहुत ज़्यादा हर चीज़ सही चाहिए उसको, तो वो पेडेंटिक कहलाता है। या अपनी नॉलेज को बहुत ज़्यादा शो करता है उसको भी पेडेंटिक कहते हैं। फिर है जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग। तो जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग को कहते हैं, इसके लिए जो क्लोजेस्ट वर्ड आएगा इन ऑप्शंस में से वो डी आएगा, वैगन। तो ये बेसिकली आता है फिक्स समवंस वैगन, एक ईडियम है जिसका मतलब यही होता है कि मतलब जैसे कुछ तैसा मिलना, या जैसा बोगे वैसा काटोगे, उसका मीनिंग होता है। तो वहाँ से इसका मीनिंग आता है। एग्जैक्टली अगर ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जाए तो ये एग्जैक्टली सही क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अब दिया था एसएससी ने तो उस हिसाब से वैगन ही इसका आंसर हो सकता था, क्योंकि नेमेसिस का मतलब होता है एक ऐसा अपोनेंट या राइवल होम अ पर्सन कैन नॉट बेस्ट और ओवरकम, एक ऐसा एक ऐसा दुश्मन या राइवल जिसको आप हरा नहीं सकते पूरी तरह से, जो आपसे ज़्यादा ताकतवर है, आपसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, उसको नेमेसिस कहते हैं। प्रोडिगी, प्रोडिगी कहते हैं जो चाइल्ड, टैलेंटेड चाइल्ड होता है, जीनियस होता है, बच्चा बहुत ही स्किलफुल होता है, उसको प्रोडिगी कहते हैं। डैंडी, एक इंसान जो कि अपने कपड़ों और अपने अपीरियंसेस के लिए बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली कंसर्न होता है, बहुत ज़्यादा टिप टॉप रहता है, शो ऑफ करता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिवली अपने हुलिये पे और अपने रहन सहन पे फोकस करता है, उसको डैंडी कहते हैं। तो और तो कोई सेंस भी नहीं बनाते बाकी वर्ड्स, इसलिए वैगन ही यहाँ पर सही होता। लेकिन वही है कि वैगन का मतलब एक्चुअल में आता है फिक्स समवंस वैगन इडियम से, जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग का। फिर आपको स्पेलिंग पूछी गई थी, तो स्पेलिंग में कंटिन्यूअस, ग्लैमरस और मेटिकुलस या विशियस। तो कंटिन्यूअस तो कंटिन्यूअस से है, ग्लैमरस, ग्लैमरस की ही स्पेलिंग गलत है एक्चुअल में यहाँ पर, GLAMORUS होता है, तो OUS होगा यहाँ पर, OUS होगा लास्ट में, बी में एरर है। कंटिन्यू, मेटिकुलस बहुत ज़्यादा मेथडोलॉजी और बारीकी से कोई चीज़ की जाए, विशियस यानी कि बहुत बुरा कोई चीज़ है, तो विशियस है। फिर है 16th में आपको एरर बतानी है, सेकेंडरी साइजेबल सकम सस्टेनेंस। तो यहाँ पर किस चीज़ में एरर है, कुछ लोग सोच सकते हैं साइजेबल में होगी क्योंकि साइज SIZE होता है, तो एबल लगाएंगे तो वहाँ पर एबल लगाते हैं साइजेबल में तो ई ड्रॉप हो जाता है, तो वो सही है अपने आप में, ठीक है। सस्टेनेंस में एरर है, सस्टेनेंस मेंटेनेंस या सपोर्ट को कहते हैं, सस्टेनेंस में SUSTE होगा, ए नहीं होगा, ए गलत है, ई होगा वहाँ पर, ई सस्टेनेंस होगा। तो एरर किस में है, डी पार्ट में है। फिर आपसे पैराजम्बल्स पूछे गए हैं 17th और 18th। तो अगेन यहाँ पर मैं आपसे कहूँ कि आप, एक चीज़ तो यहाँ पर कन्फर्म्ड है ऑप्शंस देख के भी क्लियर हो रही है कि स्टार्टिंग तो क्यू से हो रही है, तो वहाँ तो कुछ करना नहीं है आपको। अब आपको ये देख लेना है थोड़ा सा कि
कौन कौन से पेयर बन सकते हैं। तो कंफर्ट इज नाउ वन ऑफ द कॉजेज ऑफ इट्स ओन स्प्रेड। कंफर्ट जो है अपने फैलने की खुद ही वजह है। ठीक है, तो इसके बाद क्या आ सकता है? तो इट किसके लिए आ रहा है? इट हैज नाउ बिकम अ फिजिकल हैबिट। इट किसके लिए आ सकता है? कंफर्ट के लिए आ सकता है। तो क्यू और एस का कॉम्बिनेशन मुझे सीधा सीधा बनता हुआ दिख रहा है। क्यू और एस का मुझे कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिख रहा है और ऑप्शन सिर्फ डी ही सही है। अगर इसको और कंफर्म करना है तो ये देख लूँ कि आर और आर के बाद पी आता है कि नहीं आता है। तो द मोर कम्फर्ट इज़ ब्रॉट इन टू द वर्ल्ड द मोर इट इज़ लाइकली टू बी वैल्यूड। जितना कम्फर्ट लाया जाएगा इस दुनिया में उतना उसकी वैल्यू होगी। टू दोज हु हैव नोन कम्फर्ट डिसकम्फर्ट इज़ अ रियल टॉर्चर। और जिन्होंने कम्फर्ट जाना होता है उन्हें टॉर्चर लगता है डिसकम्फर्ट। तो आर पी भी अपने आप में सेंस बना रहा है। तो यहाँ पर क्यू के बाद एस ही दिख रहा है क्योंकि कम्फर्ट है। कम्फर्ट को इंट्रोड्यूस किया इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है और इंट्रोडक्टरी सेंटेंस के बाद जो प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है वो किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? कंफर्ट के लिए ही हो रहा है। इसीलिए क्यू एस आर पी यहाँ पर सिंपली आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर है इन दैट फ्रेम ऑफ माइंड वी हैव लिटिल सेंस ऑफ आइडेंटिटी सेफ्टी और सिक्योरिटी। अब यहाँ पर आपको देखना है क्या आप कोई ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। बिल्कुल आप एलिमिनेट कर सकते हैं। आप ये देखिए कि दो ऑप्शन क्यू से स्टार्ट हो रहे हैं, दो ऑप्शन एस से स्टार्ट हो रहे हैं। और कायदे से देखिए तो एस से स्टार्टिंग नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? एज वी गेट यूज टू दिस सोशल फीडबैक। तो ये दिस सोशल फीडबैक है क्या? इससे पहले वो दिस सोशल फीडबैक की बात होनी चाहिए ना। तो दिस एक प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन किसी चीज के लिए आ रहा है, वो सोशल फीडबैक का इंट्रोडक्शन भी तो होना चाहिए। तो सोशल फीडबैक का इंट्रोडक्शन होने के लिए कैन नॉट स्टार्ट विद एस। तो यहाँ पर वैसे ही आपके जो है सी और डी तो ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो गए। अब आप तुक्का भी मारते हैं तो 50% प्रोबेबिलिटी तो है ही आपके सही होने की। ठीक है, तो अब आप और देख लीजिए कौन कौन से पेयर बन सकते हैं। तो आप गौर से देखिए एज वी गेट क्यू से स्टार्टिंग है तो ये क्लियर हो गया। क्यू से तो स्टार्टिंग है ही, तो क्यू को तो छोड़ दीजिए या पढ़ भी लीजिए एक बार को। करेज इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्लोर अवर सीक्रेट लाइफ बिकॉज वी मस्ट फर्स्ट विड्रॉ फ्रॉम द सोशल मिरर वेयर वी आर फेड पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक कंटिन्यूसली। ठीक है, सोशल मिरर से हमें बचना चाहिए कि सोशल मिरर यही है कि हमें पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मिलते रहते हैं। ऐसा किया करो, ऐसा मत किया करो, ऐसा किया करो, ऐसा मत किया करो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, आप पढ़िए तो इसमें पाइएगा एज वी गेट यूज टू दिस सोशल फीडबैक। अब देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक की बात आ रही है, सोशल मिरर की बात आ रही है, तो क्यू के बाद एस आना चाहिए। एज वी गेट यूज टू दिस सोशल फीडबैक इट बिकम्स अ कम्फर्ट जोन। ये सोशल फीडबैक मिलने लगता है तो हम क्या बनने लगते हैं, इट बिकम्स ये हमारा कम्फर्ट जोन बनने लगता है। कम्फर्ट जोन बनने लगता है क्यू एस। और फिर देखिए एंड वी मे ऑप्ट टू अवॉइड सेल्फ एग्जामिनेशन। कम्फर्ट जोन बनने की वजह से हम सेल्फ एग्जामिनेशन से बचते हैं, हम अपना अपने आप को एग्जामिन करने से बचते हैं। कम्फर्ट जोन तो यही है ना कि मतलब आप कम्फर्ट जोन में रहना चाहते हैं तो सबसे मुश्किल काम क्या होता है? खुद का जायज़ा लेना, खुद का खुद को एनालाइज करना, खुद को गलत पे गलत मानना सबसे मुश्किल काम होता है। एंड आइडल अवे अवर टाइम इन अ वैक्यूम ऑफ रेवरी एंड रेशनलाइजेशन। और उसमें रेवरी में या डे ड्रीमिंग में या रेशनलाइजेशन में हम जो है अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं। तो क्यू एस आर पी, पी तो लास्ट में आना ही था। तो देखिए क्यू पी है, आपको आर एस देखना और एस आर देखना था बस इसमें, अगर देखिए कायदे से। तो इसमें एस पहले आता है, आर बाद में आएगा। एस पहले आएगा, आर बाद में आएगा। आर के बाद एस आने का जो है सेंस भी नहीं बनाता है। क्यों? क्योंकि करेज की बात है और दिस उसमें फीडबैक की बात हो रही है और एज वी गेट यूज टू दिस सोशल फीडबैक तो ये फ्लो में चल रहा है। तो क्यू एस आर पी ए इसका आंसर होगा, बी इसका आंसर नहीं हो सकता। फिर 19 क्वेश्चन, द किड्स वर लाफिंग एट द ओल्ड लेडी। द किड्स वर लाफिंग एट द ओल्ड लेडी। तो आपको बताना था इसका क्या होता है।
तो द किड्स, द ओल्ड लेडी, तो यहाँ पर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट होना है। तो द ओल्ड लेडी वॉज बींग लाफ्ड एट, लाफ एट होता है, लाफ एट होता है, वॉज बींग तो वर लाफिंग कंटिन्यूअस की जगह पे, तो वहाँ तो ओल्ड लेडी एक है तो वॉज बींग हो जाएगा, लाफ्ड एट बाय द किड्स हो जाएगा। तो यहाँ पर बी इसका आंसर है, द ओल्ड लेडी वॉज बींग लाफ्ड एट बाय द किड्स। फिर है डू यू वॉन्ट सम मोर चॉकलेट्स, तो माई कजन आज मी इफ आई वॉन्ट सम मोर चॉकलेट्स, इसमें क्या गलती है? आस्क तो सही है लेकिन इफ आई वॉन्ट नहीं होगा, आई वॉन्टेड पास्ट में चल रही थी ना बात, तो माई ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। देखिए फिर ए तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। फिर है माई कजन सेड टू मी इफ आई वॉन्टेड सम मोर, सेड नहीं किया था एक्चुअली, मैं आस्क किया था, तो ये भी जो है गलत हो जाएगा। डू यू वॉन्ट क्वेश्चन है ना, माई कजन आज मी दैट आई वॉन्टेड, दैट भी नहीं आना चाहिए, दैट आई वॉन्टेड सम मोर चॉकलेट्स। अब थोड़ा सा स्क्रोल डाउन करना पड़ेगा यहाँ पर, माई कजन आस्क मी वेदर आई वॉन्टेड सम मोर चॉकलेट्स, तो ये सबसे ज़्यादा सेंस बना रहा है आपको कि इफ या वेदर आना चाहिए था यहाँ पर, आस्क मी इफ आई वॉन्टेड सम मोर चॉकलेट्स, ठीक है, इफ या वेदर आ सकता था, आस्क या इंक्वायर्ड आना चाहिए था, तो आप ये वाले ऑप्शन में जो है आस्क मी दैट नहीं होता यहाँ पर, तो दैट थोड़ा सा क्लोज था, बाकी सारी चीज़ें सही थी, लेकिन दैट की वजह से ये गलत हो गया। और बी में अगर सेट टू नहीं होता, आस्क मी इफ आई वॉन्टेड सम मोर चॉकलेट्स, तो बी भी सही हो सकता था, लेकिन सेट टू मी की वजह से बी गलत हो जाता है। तो फॉर्मेट कौन सा सही है? फॉर्मेट आपका माई कजन आस्क मी वेदर आई वॉन्टेड सम मोर चॉकलेट्स, ठीक है। फिर आप क्लोज टेस्ट है, एन इंडिपेंडेंट एबल एंड अपराइट जुडिशियरी इज द हॉल मार्क ऑफ अ फ्री कंट्री, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि पढ़ने में आ सकता है, नहीं चलिए। एन इंडिपेंडेंट एबल एंड अपराइट जुडिशियरी इज द हॉल मार्क ऑफ अ फ्री डैश कंट्री, देयरफॉर द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट इज ऑफ डैश इम्पॉर्टेंस एट प्रेजेंट ऑन अकाउंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स लास्ट एडवाइजरी ओपिनियन, द डैश ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड इट्स इंटरफेरेंस इन द अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेस इज डैश विच इज विच इन लाइट ऑफ द प्रीवियस एक्सपीरियंस इज मोस्ट डैश। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि इंडिपेंडेंट एबल एंड अपराइट जुडिशियरी जो है हॉलमार्क है, हॉलमार्क है, निशानदेही, एक सिंबल है फ्री, क्या फ्री डेमोक्रेटिक कंट्री, एक फ्री और लोकतांत्रिक देश के लिए, आज़ाद और लोकतांत्रिक देश के लिए एक इंडिपेंडेंट एबल और अपराइट जुडिशियरी का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए प्रोसेस ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट, जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट होते हैं, जजेस का अपॉइंटमेंट होता है, वो कैसी इंपॉर्टेंस रखता है? वाइटल इंपॉर्टेंस रखता है, मियर इंपॉर्टेंस नहीं रखता, खालिस कोई छोटी मोटी इंपॉर्टेंस नहीं रखता। मॉर्न तो नेगेटिव सेंस में आ जाता है, मॉर्न का मतलब मॉर्न का मतलब दुख व्यक्त करना, मातम करना, ठीक है, सोशल इंपॉर्टेंस भी सेंस नहीं है, वाइटल इंपॉर्टेंस है। तो 22 का बी। फिर है एट प्रेजेंट ऑन अकाउंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स लास्ट एडवाइजरी ओपिनियन द डैश ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड इट्स इंटरफेरेंस इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इज, तो यहाँ पर क्या बन सकता है? यहाँ पर आप देखिए तो क्या किया, एग्जीक्यूटिव के रोल को और उसकी दखलअंदाजी को कम किया गया है, ऐसा ही सेंस बनेगा, क्योंकि स्टार्टिंग ही हमारी इस बात पे हो रही है कि स्ट्रेस किस चीज़ पे दिया गया है कि जजेस के अपॉइंटमेंट में दखलअंदाजी नहीं होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जुडिशियरी की। तो रोल जो है एग्जीक्यूटिव का क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए, रोल की बात होनी चाहिए। तो रोल और रोल ऑफ द इन अपॉइंटमेंट, रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव और उसका इंटरफेरेंस क्या होना चाहिए? रोल ही यहाँ पर 23 में आएगा, द रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड इट्स इंटरफेरेंस इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इज मिनिमल, क्या होना चाहिए? मिनिमल होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, ठीक है, मिनिमल।
फिर है विच इन लाइट ऑफ द प्रीवियस एक्सपीरियंस इज मोस्ट, और ये प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के, पुराने एक्सपीरियंस के हिसाब से ये चीज़ क्या है, वेलकम्ड है, ये वेलकम करने लायक है, क्योंकि पास्ट के एक्सपीरियंसेस यही हैं कि क्या एक्सपीरियंसेस हैं कि अगर हम दखल अंदाजी बर्दाश्त करेंगे एग्जीक्यूटिव की या दूसरे विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट की जुडिशियल अपॉइंटमेंट में, तो उससे फ्री और इंडिपेंडेंट जुडिशरी का रह पाना जो है इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ये सब जो है इस तरीके से हमने ये पेपर किया, 20 पेपर। आई होप आपको इससे भी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो, लाइक कर लीजिएगा, ना पसंद आई हो तो डिसलाइक कर लीजिएगा, और अगेन इसी बात पे कि पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ स्टडी। थोड़ी बहुत मेरी या मुझ जैसे किसी भी यूट्यूब यूट्यूब चैनल चलाने वाले की वीडियोस आपको मदद करती हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अल्टीमेटली सेल्फ स्टडी ही आपको आगे पहुंचाएगी, सिलेक्शन दिलाएगी, और वही आपको अल्टीमेटली सब कुछ दिला सकती है, तो उस पे पहले फोकस करके रखिए। ठीक है, तो ऑन दिस नोट कि आप मेहनत करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और सिलेक्शन लेंगे। टेक केयर एंड गुड बाय, थैंक यू।